Hello and namaste. Happy New Year. Here's wishing you a very prosperous 2021. और मैं आ गई हूँ अपने New Year special के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके sun sign के लिए क्या क्या है. We are talking about scorpions in this video, यानी कि वृश्चिक राशि आपके लिए क्या है खास 2021 में. आइए देखते हैं. We're going to be covering all the important topics, including your love life, your family life, your career, your finances and your health. साथ ही साथ मेरे पास है एक angel message जो आपको मिलेगा आपके मोटो के लिए, या इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपके लिए है फॉर 2021. लेट्स स्टार्ट विद योर लव लाइफ एंड सी व्हाट्स इन स्टोर. ओके, सो आपके लिए आता है सिक्स ऑफ स्टार्स का कार्ड, जो इंडिकेट करता है कि आपको अपने सक्सेस के ऊपर ध्यान देना है एज फार एज योर लव लाइफ इज कंसर्न. यानी कि जो रिलेशनशिप आपके लाइफ में ऑलरेडी चल रही है, आप उसके ऊपर ध्यान दें एंड ट्राई नॉट टू बी टू डिस्ट्रैक्टेड विद अदर टेम्पटेशंस और अदर एस्पेक्ट्स इन योर लाइफ, एंड आप अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस रहिए. यही कहता है सिक्स ऑफ स्टार्स का कार्ड, एंड इट्स ऑल्सो अ कार्ड ऑफ सक्सेस. सो सिंगल्स के लिए ये कार्ड इंपॉर्टेंट है एंड सक्सेसफुल है. वैसे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है फॉर दोज ऑफ यू हु हैव रिसेंटली बीन थ्रू अ ब्रेकअप, या अगर अनफॉर्चुनेट आपका 2021 में कोई ब्रेकअप होगा, या किसी चीज में आपको दुख हो सकता है, या फिर आपको यू मे बी हार्ट ब्रोकन अबाउट समथिंग, एंड स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे स्ट्रांग, बिकॉज जो होता है आपके अच्छे के लिए होता है. मैं हमेशा यही कहती हूँ, भले आपको इस वक्त उस चीज का शायद अंदाजा नहीं है या जजमेंट नहीं है, लेकिन इन द फ्यूचर एवरीथिंग विल बी रिवील्ड व्हाई अ सर्टेन इंसिडेंट हैपन एंड what importance was it in your life and क्यों ये चीज़ होनी थी. and seven of cups का card भी आया है. वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके life में काफ़ी options होने वाले हैं on the love front. For those of you who are single, आपको options मिलेंगे, या फिर आप कुछ लोगों से मिल सकते हैं. you can take your time to judge them and you may not have to make a rash decision, and you may have a couple of relationships in the year. हो सकता है कि आपके छोटे छोटे courtships या relationships हो. For those of you who are single, and seven of cups यही indicate करता है, you'll be thinking about all your options. वैसे magic का card भी आया है, and magic for me is a very positive card. It's all about creating magic in your love life. So if you're already in a committed relationship, या आप already शादीशुदा है, then it's time for you to create magic on the love front. और अगर आप single है, even then it's time for you to create magic. वैसे ग्रेस का कार्ड भी आया है. इट इज़ टाइम फॉर यू टू मेंटेन योर डिग्निटी, योर ग्रेस. इट इज़ टाइम फॉर यू टू थिंक कि आपको अपने रिलेशनशिप को आगे कैसे लेकर जाना है. आपको ग्रेसफुली करना है, डिग्निटी के साथ करना है, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा. वैसे सेवन ऑफ एरोस का कार्ड भी आया है. अगर किसी ने आपको चीट किया है, आपको बिट्रे किया है, या फिर आपका दिल तोड़ा है, तो हो सकता है कि 2021 में वो दोबारा आपके लाइफ में आ जाए, या ही मे और she may come to apologize or you may get your closure on that aspect. तो आपके लिए ये बहुत ही important year है as far as emotions are concerned. यही कहता है आपका love life. But आइए देखते हैं आपके लिए दूसरा aspects में क्या क्या है खास. So let's talk about the other aspects in your life. ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके करियर के बारे में. आपके लिए पहला कार्ड आता है द हेरोफैंट का. द हेरोफैंट यही इंडिकेट करता है कि आपके करियर में आप बहुत ही ज़्यादा कमिटेड होने वाले हैं, डेडिकेटेड होने वाले हैं और फोकस्ड होने वाले हैं कि आप अपने करियर में क्या चाहते हैं, एंड साथ ही साथ आप बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती होने वाले हैं एज फार एज योर करियर इज कंसर्न इन 2021. आई सी दैट हार्ड वर्क कमिंग योर वे. जो हो सकता है पिछले कुछ सालों में आप डेडिकेट नहीं कर पाए,
by for whatever reason, but I see you being very dedicated this year on your career front. Kyunki the world ka card bhi aaya hai, you will be feeling quite happy, quite content. There are positive changes on the career front. For those of you who are looking for a new job, a new profession, ya ek new career direction, aapke liye ye saal definitely brings about that change, and the world yahi indicate karta hai ki you will be feeling quite happy and content regarding that. वैसे नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है जो इंडिकेट करता है कि यू विल बी फीलिंग क्वाइट कंटेंट एज फार एज योर करियर इज कंसर्न, या फिर आप वही चीज़ करना चाहते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है ऑन द करियर फ्रंट. बिकॉज नाइन ऑफ पेंटिकल्स तो मुझे यही दिख रहा है कि इट्स ऑल अबाउट फीलिंग हैप्पी एंड फीलिंग कंटेंट ऑन योर करियर फ्रंट, यही कहता है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर फाइनेंसिस. सो फाइनेंसिस का अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट कार्ड इज कनेक्टेड विद फाइनेंसिस विच इज द कार्ड ऑफ टेन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके फाइनेंसिस में आपको हेल्प मिलने वाला है, या कुछ फैमिली हेल्प मिल सकता है, कुछ इनहेरिटेंस मिल सकता है, कुछ पेंडिंग मनी आ सकता है, एंड देर इज समथिंग कमिंग योर वे दिस ईयर विच यू हैव बीन एक्सपेक्टिंग और यू हैव बीन वेटिंग फॉर, यही कहता है टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड. एंड द चैरियट का कार्ड भी आया है जो इंडिकेट करता है कि एज फार एज योर फाइनेंसिस आर कंसर्न, यू आर गोइंग टू बी वेरी फोकस्ड, यू आर गोइंग टू बी वेरी डेडिकेटेड, एंड आप अपने फैमिली के लिए काफ़ी कुछ करेंगे फाइनेंशियली, और आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, एंड यू विल डेफिनेटली बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी यूजफुल टू देम. मुझे लगता है स्पेशली आफ्टर जून आपका जो फाइनेंशियल पोजिशन है वो काफ़ी बेटर होने वाला है. लेकिन फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है, आपको एरोगेंट बिल्कुल नहीं होना है अपने पैसे के लिए, क्योंकि इसमें आपका नुकसान हो सकता है, आपका डाउनफॉल हो सकता है. एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी इंडिकेट करता है अगर कोई आपको बुली कर रहा है फाइनेंशियली, या फिर कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है फाइनेंशियली, तो मेक श्योर यू स्टॉप दैट एंड मेक श्योर दैट दैट डजेंट कंटिन्यू, क्योंकि उसमें आपका नुकसान है. अब आइए बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में. सो पेज ऑफ पेंटिकल्स इज अ न्यू प्रैक्टिकल बिगिनिंग कमिंग योर वे, अ न्यू हेल्थ बिगिनिंग कमिंग योर वे इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि आप अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी सीरियस होने वाले इन 2021, एंड यू विल थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव थिंग्स, या फिर आप अपने फिटनेस के लिए एक रिजीम सेट करेंगे एंड काफ़ी हद तक आप उसे फॉलो कर पाएंगे. लेकिन थ्री ऑफ कप्स इंडिकेट करता है कि आप अपने हेल्थ के लिए काफ़ी सेलिब्रेट भी करने वाले हैं. यू मे टेक सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ योर हेल्थ या टेक इट फॉर ग्रांटेड, तो आपके लिए बेटर है कि आप अपने हेल्थ को फॉर ग्रांटेड नहीं लिए, और अगर आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी हैं देन मेक श्योर दैट यू Do not ignore it and pay attention. क्योंकि the devil का card आया है, कोई health ailment हो सकता है आपको 2021 में. It is important for you to attend to it immediately and look जहाँ पे आप उस चीज़ को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं सूट कर रहा है, यू कैन थिंक ऑफ अ सेपरेट ट्रीटमेंट, यू कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स, और अपने मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ का भी आप ध्यान देंगे तो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल है. अब आइए बात करते हैं आपके फैमिली लाइफ के बारे में. औरतों के लिए ये टाइम अच्छा है, 2021 अच्छा है वो फैमिली लाइफ, क्योंकि आप काफ़ी प्रैक्टिकल होने वाली है फैमिली लाइफ में. आप अपने फैमिली को काफ़ी सपोर्ट करेंगी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप अपने फैमिली लाइफ में काफ़ी सपोर्टिव होने वाले हैं और प्रैक्टिकल होंगी, एंड यू मे इवन बी द ब्रेड अर्नर ऑफ योर फैमिली. एंड द फूल का कार्ड आया है, लेकिन फैमिली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहिए, या आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे, या फिर आपको सोच समझ कर जो भी आपको फैसला लेना है आप ले सकते हैं. बिकॉज इफ़ यू मेक थिंग्स और डू थिंग्स इन अ रश, इफ़ यू मेक हेस्टी डिसीजन, तो आपका नुकसान हो सकता है. वैसे द स्टार आपके साथ है ऑन द फैमिली फ्रंट, जो इंडिकेट करता है कि सितारे आपके साथ है. देर इज़ अ लॉट ऑफ होप, देर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, एंड देर आर लॉट ऑफ गुड मोमेंट्स ऑन योर फैमिली फ्रंट एंड इन योर फैमिली लाइफ इन 2021. आइए देखते हैं आपके लिए क्या है एंजल मैसेज. Big happy changes already मैं बोल चुकी हूँ about the stars being in your favor, and there definitely will be some big happy changes in 2021, और ये आपके लिए काफ़ी favorable है. Well, I really hope you enjoyed this reading and you got a perspective of 2021. Here's wishing you all the best.